नगर बरेली के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चैन व मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के सक्रिय सदस्य तौफीक व मनीष को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों से लूटी गई मोटरसाइकिल व चैन बरामद कर ली गई है। बता दें कि ये दोनों चोरी का माल छुपाकर कहीं बेचने के लिए बरेली आ रहे थे कि तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम बनाकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। किस तरीके से ये लूट की वारदात को अंजाम देते थे, क्या क्या चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं और किन तरीके से ये लूट की वारदातों को अंजाम देते थे? एक बहुत ही शातिर गैंग जो कि मोटरसाइकिल चोरी और उस मोटरसाइकिल चोरी की भी मोटरसाइकिल है उसके साथ लूट करता था, उसको हम लोगों ने पकड़ाया। थाना किला में भी इन्होंने कई सारी चेन स्नैचिंग घटनाएँ की हैं और उसके अलावा ये शहर भर से कई थानों से इन्होंने बाइक चोरी करी है और उस बाइक जो चोरी की हुई बाइक होती थी उससे ये लोग मिलकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे और ये पूरे सिटी में ये ऑपरेट करते थे अलग अलग जगहों पर और किला पुलिस ने लगातार हम लोग इनको ट्रैक कर रहे थे और इसमें इनको गिरफ्तार करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। इनके पास से काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं, उसके अलावा जो चेन स्नैचिंग में जो चेन लूटी गई थी वो हमें दो चेन बरामद हुई है। उसके अलावा और भी जो इनके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कोई है तो उसको वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, पूरे देश में नवरात्रों का पूजा का प्रचलन है और इसका एक अलग ही महत्व है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। माता के इस रूप को सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि खुद भगवान शिव इनकी उपासना कर परम सिद्धि प्राप्त की थी। इस दिन श्रद्धालु देवी स्वरूप कन्याओं को भोजन कराकर अपना व्रत खोलते हैं। माता रानी का हमने नौ व्रत रखा है, पूरे नौ दिन रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा है। पहले दिन तो यही लगता है जब शुरुआत में व्रत होता है कि पता नहीं कैसे रहेंगे, जब व्रत रहो तो माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ सही होता है और उसके बाद पूजा करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, व्रत में भी बहुत अच्छा लगता है। और आज ही जब हमने कन्या खिलाई, आज नौवां दिन है कन्या खिलाने के, कन्या ढूंढने गए, पहले तो बहुत ही टाइम लगा, मिली ही नहीं, जब मिल गई तब कन्या खिलाई है और कन्या बैठाल के पूजन किया। हम दही जलेबी का भोग लगाया और प्रसाद में केला पैसे जो भी होता है प्रसाद में सब दिया है कन्याओं को और यही सब होता है, मगर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आज आपको जब आपने पूजन किया है सब किया है तो इस समय आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल थकावट नहीं हुई, नौ दिन में बहुत ही अच्छा लगा है। कितने दिन से आप ये व्रत रख रही हैं? आज नौवां दिन है। कितने सालों से? 8-9 सालों से रख रही हूँ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली के निर्देश से 2500 के इनामी बदमाश को मुखबिर की सूचना पर झूलेलाल द्वार के पास से एक देसी तमंचा, 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। एक लेखपाल सितारगंज गांव थाना पड़ता है, उसके एक लेखपाल के साथ लूट हुई थी, उसके कई सारे जो चकबंदी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो लूट लिए गए थे और इस घटना को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्लान करा था और जिस प्लानिंग का जो मुख्य व्यक्ति है वो ये ग्राम प्रधान है। ये ग्राम प्रधान ने कई सारी गड़बड़ियाँ कर रखी थी, लोगों से पैसे ले रखे थे चकबंदी ना कराने के नाम पर और उसके बाद इस जो चीज़ें हैं इस लूट को उसने प्लान किया ताकि जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं चकबंदी रिलेटेड वो सारे के सारे गायब हो जाएँ और इसमें इसने कई लोगों को इन्वॉल्व किया, इसमें इसका ड्राइवर भी इन्वॉल्व है और एक आबिद नाम का व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जो कि हिस्ट्री शीटर है और कई सारे इसमें अपराधियों को इसने इकट्ठा किया और इस घटना को प्लान किया और उसके बाद हमारी टीमें लगी हुई थी इस गिरफ्तारी करने में तो इसमें हम लोगों ने इसी क्रम में इसके ऊपर हम लोगों ने पुरस्कार भी घोषित किया था कि जो भी व्यक्ति इसमें घटना में प्रमुख होगा उसके ऊपर ये इनाम घोषित किया जाएगा और लगातार हमारी टीमों के जो सर्च अभियान में और जो हमारी जो सर्विलांस के माध्यम से काम चल रहा था उसमें हम लोगों ने उसी क्रम में इसको गिरफ्तार किया है और इसको नई हिरासत में भेजा है। इस पर कहाँ कहाँ मुकदमा दर्ज है? कि वहाँ पर नारकोटिक्स वगैरह के काम में भी पहले जेल गया हुआ है, यहाँ शहर के बारादरी थाने से भी ये जेल जा चुका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश तक भी इसके जो तार हैं
वो जोड़े गए हैं, वहाँ भी एक थाने से ये जिले में अभी हम लोग उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, वहाँ से ये जेल गया है इसी नारकोटिक्स के मामले में, और भी इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और उसी हिसाब से इसके खिलाफ कार्रवाई। कितने हज़ार के यहाँ पे? 2500 रुपये का।